नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोगी 3,579 हो गए हैं। शुक्रवार रात आई रिपोर्ट के अनुसार मीडिया ने जो जानकारी दी है उसमें अजमेर से 9, अलवर से 2, भीलवाड़ा से 4, चित्तौड़गढ़ से 10, जयपुर से 34, झालावाड़ से 2, जोधपुर से 9, करौली से 1, कोटा से 9, पाली से 5, राजसमंद से 6, सीकर से 1, सिरोही से 1 और उदयपुर से 59 रोगी सामने आए हैं। सरकार चाहे कितने ही दावे करे लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मजबूर मजदूरों का पलायन थम नहीं रहा। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद भी मजदूर पैदल ही कोसों दूर चले जा रहे हैं। अब तो हालात यह है कि इन मजदूरों को रास्ते में भोजन के पैकेट की सुविधा भी नहीं मिल रही। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों सैकड़ों मजदूरों का पलायन जारी है। राजमार्ग पर दौड़ते भागते ये मजदूर अलग अलग अंदाज में जीते दिखाई देते हैं। कोई रिक्शा में सवार होकर परिवार के सदस्यों को बिठाकर ले जा रहा है, कोई ऊंट गाड़ी में तो कोई टेम्पो में तो कोई पैदल ही चले जा रहा है। टोंक के मालपुरा बछेड़ा थाना क्षेत्र में युवती से हुए गैंगरेप प्रकरण में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर सांसद सुखवीर सिंह व विधायक कन्हैया लाल और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोरोना से बचाव के लिए हाउसिंग बोर्ड ने सभी प्रोजेक्ट्स में सैनिटाइजर स्टेशन बनाए जाएंगे। बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के आगामी बनने वाले प्रोजेक्ट्स में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर स्टेशन बनाए जाएंगे। स्टेशन बनाने के लिए रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटियों को प्रेरित किया जाएगा। वहीं मंडल की ओर से सोसाइटियों को इसके लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये सैनिटाइजर मशीन सेंसर के साथ काम करेगी। सिरोही के आबू रोड पर फोर लाइन हाईवे पर किवरली के पास दो कारों में जबरदस्त भिड़त हो गई। सूचना मिलने पर आबू रोड सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। कार में फंसे मृतकों के शवों को निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। धौलपुर में कोरोना को लेकर जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने नए आदेश जारी करते हुए बाजार खुलने का नया समय जारी किया है। आदेश में बताया है कि अब किराना, जनरल व प्रोविजन स्टोर नए आदेश के तहत सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। धौलपुर में अवैध हथियार सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मेला मैदान के पास पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से एक जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा बरामद किया है। यह युवक कोई बड़ी वारदात की फिराक में था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद इसके गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्त में आया युवक बदमाश राजवीर है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ बोरखेड़ा थाना पुलिस को साथ लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार झोलाछाप डॉक्टर के अवैध क्लिनिक को सीज करते हुए दवाइयां, मशीन व अन्य चिकित्सीय उपकरण को बरामद किया है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राज कृषि विश्वविद्यालय में कृषि प्रथम सेमेस्टर का बीएससी प्रथम वर्ष ऑनर्स का सत्र 2019-20 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर योगेश शर्मा ने दी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again